दतिया सर्किट हाउस पर बुलाई गई प्रेस वार्ता, कहा जिले में आवारा गोवंश समस्या से स्थान समाधान, जिले की हजारों बीघा गौचर भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराकर गोवंश गौशाला में पहुंचाया जाए। गांव में चरमराई शिक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक की जाए। गरीबी में जीवन यापन करने वाले लोगों को पट्टा दिलाया जाए। गांव में शमशान घाट बनाए जाएं। दतिया जिले में चरमराई कानून व्यवस्था के कारण जिले में आए दिन चोरी लूट हत्याओं के कारण आमजन में ये भय व्याप्त है, उसे तुरंत ठीक किया जाए। 4 घंटे बिजली कटौती बंद की जाए। किसानों को 16 घंटे बिजली दी जाए। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। मुख्य रूप से मौजूद रहे इंजीनियर पीआर राहुल गोयल, प्रदेश महासचिव रणवीर सिंह यादव, प्रदेश महासचिव डॉक्टर नरेश धानु, प्रदेश सचिव डॉक्टर रिंकेश खरे, प्रदेश सचिव प्रदेश अध्यक्ष वीर अहिर सिन्हा, मोहर सिंह यादव साथ में रहे। दतिया किसानों और मजदूरों का है। आज दतिया जिले में गांव गरीब और गाय की बहुत ही दुर्दशा है। गांव दिन ब दिन खाली होते जा रहे हैं। इस समय गांव में जो लोग रह रहे हैं वो गरीब हैं, उनके बच्चे और बच्चियां जो वहां स्कूल में पढ़ रहे हैं। स्थिति ये है कि उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को, कक्षा 5 के बच्चे को हिंदी पढ़ना नहीं आती है, तो निश्चित तौर पर उन गरीबों का और उस गाँव का भविष्य चौपट में है। जब हमारे गाँव का भविष्य चौपट में होगा तो निश्चित तौर पर हमारे देश का भविष्य चौपट में है। इसी तरह गांव में रहने वाले गरीब जिनको पिछली सरकार ने पट्टे दिए थे, आज तक उनको कब्जा नहीं दिया गया, ना ही उनको भूस्वामी बनाया गया। समाजवादी पार्टी मांग करती है कि उनको कब्जा दिए जाए। इसी तरह आज यह देख रहे हैं गाय की दुर्दशा है, और गाय जब घर घर में रहती थी तो हमारा देश पूरी दुनिया का विश्व गुरु था। आज गाय की ये हालत है कि सड़कों पर आए दिन गाय मर रही है, गाय भूखी है, खेत में जाती है किसान मारता है, और रोड पे आती है तो उसको गाड़ियां रौंद देती हैं। जबकि हमारे मध्य प्रदेश में हर ज़िले में हजारों बीघा गोचर भूमि, गाय के नाम पर हजारों बीघा ज़मीन पर दमंग लोग कब्जा किए हैं। समाजवादी पार्टी ये मांग करती है कि दतिया की धरती से ये जो दमंगों ने कब्जा कर रखा है गाय की ज़मीन पर, उसे खाली कराया जाए और गाय को गौशाला में रखा जाए। इसी तरह गांव खाली ना हो, क्योंकि गांव में अगर लाइट है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तो गांव से लोग शहर की ओर नहीं आएंगे। लेकिन आज गांव में जो पैसे वाले लोग हैं वो लोग शहर में चले आते हैं। आज गांव में गरीब लोग रह रहे हैं।